आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आर रेल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। महिलापुर रेलवे स्टेशन से ये वीडियो हमें राहुल भाई ने बनाकर भेजी है। हम माफ़ी चाहते हैं वीडियो देरी से आई, कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण। यह वीडियो कल की है, आप सामने देख सकते हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर सीतापुर जंक्शन जाने वाली 12107 लोकमान्य तिलक टर्मिनस सीतापुर एक्सप्रेस ट्राई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस नवल्लापुर रेलवे स्टेशन के मेन लाइन पर आते हुए, आपको बताते मेन लाइन पर इसके आने का कारण है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहले से पैसेंजर का मौजूद होना। जी हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेलानी लखनऊ जंक्शन हमसेसर एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी रेल पहले से मौजूद था। इसी कारणवश यह ट्रेन मेन लाइन पर आई। हमें फिर कोशिश की जाती थी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाया जा सकता था, लेकिन उससे लोकमान्य तिलक टर्मिनस को डालीगंज जंक्शन पर तब तक रोकना पड़ता जब तक मेलानी लखनऊ जंक्शन अनरिजर्व एक्सप्रेस डालीगंज ना पहुंच जाती। लेकिन इस ट्रेन के मेल लाइन पर आने से यात्रियों को चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, नवल्लापुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का नियमित ठहराव है, इसके बावजूद भी इस ट्रेन को मेन लाइन पर लिया गया। मेरा रेलवे से ये रिक्वेस्ट है कि आइंदा इस पर ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखें। इससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म की जगह रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो जाती है तो। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और अपडेट के साथ जल्दी। अधिकारी के लिए अपनी सुविधा के लिए खेत है।